अपने नहीं है, ये आज हमारे नागरिकों की आवश्यकता है। आप ये रोड देखिए, कैमरा एक बार आपके, ये जब 2014 तक चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंत्री तब का बना हुआ है, अभी नहीं टूटा है, इतनी क्वालिटी है। और आज 10 से भी ज्यादा, और आज जो ये रोड बनाते टूट जाते, हम ना पैसे खाते हैं ना खाने देते हैं, इसलिए क्वालिटी मेंटेन्ड है। फिर हमको हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, मेट्रो लानी है, गवर्नेंस पे काम करना है, जो नीतियां गलत है उनको ठीक करना है। मेरा होमवर्क पूरा है और वो होमवर्क इस योजना में ये शहर देखे। अधिकारी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के लिए नेता, पब्लिक प्रतिनिधि है वो भी पब्लिक के लिए। ये भावना जब तक लोगों में नहीं आएगी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। अगर यहाँ आज भीड़ नहीं होती तो मेरी क्या ताकत है? यहाँ 5 आदमी बैठ रहे थे, मैं किसको भाषण देता? आज मैं बोल रहा हूँ, इनकी ताकत है। अगर मैं इस ताकत को भूल जाता हूँ तो कल को मुझे 5 भी नहीं मिलेगा। ये जब तक सोच जनता के मन तक नहीं पहुंच जाएगी, ये गुलामी खत्म नहीं हो सकती। अनियमित क्षेत्र के लिए सुविधाएं किसी सपने के समान होती है, लेकिन आज कांग्रेस प्रत्याशी बड़कल विधानसभा क्षेत्र से विजय प्रताप आज एसडीएम नगर ई ब्लॉक पहुंचे हैं और इन सपनों को हकीकत में कैसे तब्दील करने का आश्वासन दिया है, हमारे साथ मौजूद है। सर, जैसा मैंने कहा, ये अनियमित क्षेत्र के लोग ये सोच ही नहीं पाते कि इन्हें कोई अच्छे स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन एक बड़ी घोषणा आपने की है, सपने दिखाए हैं, तो वो कैसे हकीकत में? आप सपने नहीं है, ये आज हमारे नागरिकों की आवश्यकता है। आप ये रोड देखिए, कैमरा एक बार आपके, ये जब 2014 तक चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंत्री तब का बना हुआ है, अभी नहीं टूटा है, इतनी क्वालिटी है। और आज 10 से भी ज्यादा, और आज जो ये रोड बनाते टूट जाते, हम ना पैसे खाते हैं ना खाने देते हैं, इसलिए क्वालिटी मेंटेन्ड है। लीकेज नहीं हो सकती, 2500 करोड़ कॉरपोरेशन का बजट है, ये पैसा लग जाए तो ये सपने नहीं है। मूलभूत आवश्यकताएं, पानी चाहिए, सीवर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, पार्क चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, मूलभूत है भाई, फंडामेंटल राइट है हमारे, संविधान ने दे रखे हमको, कोई सपने नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपने क्षेत्र के नागरिकों की हर प्रकार से रक्षा करें, उनको माहौल दें, सुविधाएं दें, ये हम करके रहेंगे। विजय जी, 10 साल लोगों ने दिए सीमा तिरखा को, भाजपा की विधायक रही, तो उन्हें ये क्यों नहीं नजर आया कि क्या ये इतना मुश्किल है विकास? देखिए, ये गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हुई है, फेल नहीं होती तो मुख्यमंत्री बदलना नहीं पड़ता। खट्टर साहब को बदला इन्होंने, पूरे हरियाणा मॉडल को फेल कर दिया इन्होंने। जो हरियाणा नंबर वन था आज निचले पायदान में, जो फरीदाबाद नंबर वन था आज निचले पायदान में, बड़कल की दुर्दशा है, बीजेपी सरकार टोटल फेल हुई। कांग्रेस का संकल्प पत्र आ चुका है सर, भाजपा ने भी संकल्प पत्र जारी किया है, कह रहे हैं कि बदल देंगे सब कुछ। बीजेपी को चाहिए था अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देते जनता, जो 10 साल में जनता में है उनके वायदे आज तक पूरे नहीं हुए, अब नया संकल्प और दिखा दो, उनको रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए। सर, आप बड़कल विधानसभा के पिछले काफी दिनों से लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोग शिकायतें करते हैं, समस्याएं गिनवाते हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है ये, तो क्या आप मानते हैं कि किस तरह से प्राथमिकता के आधार पर आप काम करेंगे? मौका दिया कहा ना कि पहले बेसिक सड़क, पानी, सीवर, बिजली, कचरे की सफाई, उसके बाद हमारे पार्कों की मेंटेनेंस, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने दोबारा से ठीक करना है, बड़ी लाइन्स डालनी है पानी की, सीवर की, ड्रेनेज की। फिर हमको हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, मेट्रो लानी है, गवर्नेंस पे काम करना है, जो नीतियां गलत है उनको ठीक करना है। मेरा होमवर्क पूरा है और वो होमवर्क इस योजना में ये शहर देखे। विजय जी, ये तमाम लोग शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, जो अधिकारी है सरकारी विभाग के, वो कपड़े देख के, कॉलर देख के एंट्री देते हैं अपने दफ्तर में, उसी की सुनवाई करते हैं, तो कैसे सुधार करेंगे सर? अधिकारी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के लिए है, नेता पब्लिक प्रतिनिधि है वो भी पब्लिक के लिए। ये भावना जब तक लोगों में नहीं आएगी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, और मैं इसी परसेप्शन को तोड़ना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ भाई, आज कोई विजय प्रताप है कल नहीं होगा, लेकिन जनता को अपनी ताकत मालूम होनी चाहिए। गुलामी दिमाग से बंद कर दे लोग, सभी बराबर है, चाहे नेता है चाहे अधिकारी है, वो उनके लिए है, उनकी ताकत पे बनता है। अगर यहाँ आज भीड़ नहीं होती तो मेरी क्या ताकत? यहाँ 5 आदमी बैठ रहे थे, मैं किसको भाषण देता? आज मैं बोल रहा हूँ,
इनकी ताकत है। अगर मैं इस ताकत को भूल जाता हूँ तो कल को मुझे पांच भी नहीं मिलेगा। ये जब तक सोच जनता के मन तक नहीं पहुँच जाएगी, ये गुलामी खत्म नहीं हो सकती। पॉलिटिकल गुलामी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ी बात कही है विजय प्रताप ने कि राजनीतिक गुलामी से मुक्ति मिलनी चाहिए और निश्चित तौर पर बदलाव लोग चाह रहे हैं, लेकिन अब 5 अक्टूबर को पता लगेगा कि अपने वोट की चोट और अपनी वोट की ताकत को बड़कल विधानसभा क्षेत्र के लोग किस तरह दिखाते हैं और 8 अक्टूबर को किस तरह का परिणाम सामने आता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।